नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बेबी एंड चाइल्ड केयर चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी बारे में बताऊंगी कि आप अपने बच्चों के प्राइवेट पार्ट कैसे साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी नई माँ को पता नहीं होता कि प्राइवेट पार्ट को साफ़ कैसे करना है, कैसे क्लीन करना है। और दोस्तों जो बॉयज़ होते हैं हमें उनके प्राइवेट पार्ट को खोलना भी होता है, तो बहुत सारी महिलाओं को पता नहीं होता कि करना क्या है, कैसे साफ़ करें, कैसे खोलें। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स को साफ़ करना आसान होता है, लेकिन लड़कों के प्राइवेट पार्ट्स जो हैं हमें अंदर से साफ़ करना होता है, और यह बहुत कठिन काम हो जाता है। क्योंकि अगर आप ढंग से साफ़ सफाई नहीं करोगे तो कई बार उनके प्राइवेट पार्ट सही से ओपन नहीं हो पाते हैं, और बाद में आपके बेबी को बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है। इसलिए यदि आप स्टार्टिंग से थोड़ा ध्यान रखेंगे तो उसके प्राइवेट पार्ट जो है आराम से खुल जाएंगे, उसे कोई दिक्कत भी नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहले हम साफ़ सफाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप अपने बेबी को जब भी नहाने के लिए जाते हैं तो उस टाइम जो है साफ़ सफाई कर सकते हैं। दोस्तों कोशिश करें कि बच्चों के प्राइवेट पार्ट को अंदर से साफ़ करने के लिए आप साबुन वगैरह का इस्तेमाल ना करें। चाहे लड़का हो या लड़की, ऊपर से साबुन लगा के आप साफ़ कर सकते हैं, लेकिन अंदर की तरफ आपको साबुन लगा के कभी भी साफ़ नहीं करना, इससे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप आराम से नॉर्मल पानी से साफ़ कीजिए। और दोस्तों आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको ज़ोर से रगड़ना नहीं है, बहुत ही हल्के हाथों से साफ़ करना है। बच्चे पोटी कर देते हैं, सूसू कर देते हैं, या फिर आप बच्चों को नहवाते हैं, तो उस टाइम आप ध्यान रखिए कि बहुत ही आराम आराम से आपको साफ़ करना है, तेज़ रगड़ के नहीं करना। इसके अलावा जब आपका बच्चा सूसू कर देता है, पोटी कर देता है, तो आप पानी से वॉश करते हैं। और कई बार यदि आप पानी से वॉश करना नहीं चाहते हैं तो आप कैसे साफ़ कर सकते हैं, जो वाइप्स आते हैं ना, बेबी वाइप्स आते हैं, आप उसको लेके और उससे आराम से साफ़ कीजिए। अब दोस्तों बात आती है कि आप अंदर से कैसे साफ़ करें। तो दोस्तों देखिए, हमारे यहाँ क्या नियम है, जब बच्चे नहाते हैं ना टाइम बच्चे के प्राइवेट पार्ट को बहुत ही हल्का सा नीचे की तरफ करते हैं, जो ऊपर का स्किन होता है ना, उसको बहुत ही आराम से बहुत ही हल्के हाथों से नीचे करते हैं। आपको दम नहीं लगाना है कि जितना हो सके नीचे कर दो, ऐसा नहीं, आप बहुत ही हल्के हाथों से कीजिए। और उतना ओपन होता है ना, आपको उतने पर ही रोक लेना है, और उसके बाद उस पर पानी डालना है। आपने ओपन किया, उस पर पानी डालिए, इतने दूर से डालिए, और कम से कम एक लोटा पानी डाल दीजिए, और बहुत ही आराम से डालिए। इससे क्या होगा, जो भी गंदगी होती है, नॉर्मली भाषा में बोले तो कहते हैं बच्चों के अंडे इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो साफ़ हो जाता है। और ये आप जब नहाते हैं आपको तब करना है, हमारे यहाँ ये नियम है। अगर आप ऐसा डेली करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे बेबी का जो प्राइवेट पार्ट का ऊपर का स्किन है वो खुलने लग जाएगा, और आराम से खुल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों हमारे रिश्तेदार में ही एक जगह नियम ये है कि जब बच्चों की मालिश करते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, बच्चे के प्राइवेट पार्ट को हल्का सा ओपन करते हैं, ऊपर की स्किन को नीचे की तरफ करते हैं, और उसमें हल्का सा तेल डाल देते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसमें फूंक मारना चाहिए, इससे क्या होता है वो खुलता है। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, तेल डाल के फूंक मारते हैं ताकि खुल जाए, और कुछ लोग केवल तेल डालते हैं और उसको बंद कर देते हैं। तो आपको जैसा उचित लगे, जैसा अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमारी नॉर्मल यही है, जब बच्चों को नहाने जाओ तो उस समय हल्का सा ऊपर का इसके नीचे करो और उस पर पानी डालो। आपको प्रेस ज़ोर से नहीं करना, नहीं तो आपके बच्चे को हर्ट होगा, उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। ज़ोर से नहीं करना, आप धीरे धीरे करते रहोगे ना तो अपनी आप धीरे धीरे करके वो ओपन हो जाएगा, और आपको टेंशन नहीं लेना। आपको लगता है कि बच्चा सूसू नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, बार बार वहाँ पे हाथ रख के खुजला रहा है, वहाँ पे रेडनेस आ गया है, कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको डॉक्टर से दिखाना है। यदि वो आराम से सूसू कर पा रहा है, उसे खुजली नहीं हो रही है, उसे दर्द नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो वो आराम से धीरे धीरे खुल जाएगा। आप 3 साल तक वेट कीजिए, उससे पहले ही ओपन हो जाता है। अगर आपको लगता है कि 3 साल तक भी आपके बच्चे का प्राइवेट पार्ट ओपन नहीं हो पा रहा है तो आप डॉक्टर से मिलिए, नहीं तो आपको मिलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ना, पानी डालिए, तो आप डेली पानी डालो, जब भी नहाते हो आराम से खुल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आराम से साफ भी हो जाएगा। तो मतलब ये कि आपका दोनों काम एक साथ हो जाएगा, बच्चे के प्राइवेट पार्ट की सफाई भी हो जाएगी, और उसका जो स्किन होता है ऊपर का जो कि हमें ओपन करना होता है वो ओपन भी हो जाएगा। और दोस्तों आप चाहें तो आप दोनों तरीके अपना सकते हैं। दोस्तों तेल डालने से ओपन होगा, सफाई तो मेरे ख्याल से ठीक से नहीं हो पाएगी, तो आप सफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, जब बच्चे को नहाने जाते हैं बेबी की स्किन को हल्का सा नीचे प्रेस कीजिए और उस पर पानी डाल दीजिए, और धीरे धीरे वो ओपन भी हो जाएगा और उसकी डेली सफाई भी होगी। तो दोस्तों आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्या करना चाहिए। जितना मुझे पता था मैंने बता दिया, क्योंकि मेरे पास ये कमेंट कई बार आ चुका था और बहुत पहले से आ रहा था। जैसा मेरे समझ में आया मैंने आपको समझा दिया, आई थिंक आप समझ गए होंगे। और नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, और यदि आप में से किसी को पता है कि और क्या बेहतर तरीका है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि किसी की हेल्प हो सके। और दोस्तों मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।